हंकारिजा, त्रिभुवन दास पुरुषोत्तम दास लुहार, साहित्य प्रकार छे उर्मी काव्य। अने अंदर हंकारिजा मतलब चला के आगे जाना, लाइक हम होड़ी को चलाते हैं, हम बस को चलाते हैं, हम कार को चलाते हैं, स्कूटर को चलाते हैं, तो जो चलाने वाला होता है उसको हम ड्राइवर या हंकार नार कहते हैं, चलाने वाला कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पर त्रिभुवन दास पुरुषोत्तम दास लुहार, जिसका निक नेम उपनाम शॉर्ट नेम था दैट इज सुंदरम जी, उसने ये पोयम दी है खूबसूरत सी, इसका नाम है हंकारिजा, चला के जाना। यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जीवन के अंदर अलग अलग अवस्था पे हमें अलग अलग लोगों को सपोर्ट लेना पड़ता है, परंतु अलग अलग लोगों में भगवान हमेशा सर्वसामान्य होते हैं। यहाँ पर भगवान हमारी नाव को चलाने के हिसाब से बताया गया है। भगवान यीशु जो है उसका फोटोग्राफ है, पर आप यीशु की जगह आप अपने इष्ट देव को रख सकते हो, चाहे वो गणेश जी हो, शंकर भगवान हो, या भगवान कृष्ण या राम हो। क्या कहते हैं हंकारिजा में, सुंदरम जी एक बहुत अच्छे कवि, वार्ताकार, बहुत अच्छे विवेचक थे। पूरा नाम था त्रिभुवन दास पुरुषोत्तम दास लुहार एंड शॉर्ट नेम इज अ सुंदरम। ये उपनाम धारण करके उसने साहित्य सृजन बहुत अच्छा किया। भरूच जिला के अंदर मियाँ माता ने उसका वतन, प्रारंभिक अभ्यास और व्यवसाय अहमदाबाद में किया और फिर 1945 में उसका अवसान हुआ। उसके जीवन के अंदर सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर किसी की हुई थी तो वो थे अरविंद जी की। पौंडीचेरी के अरविंद जी के आश्रम में रहे और उसके बाद गांधी युग के अंदर सबसे अच्छे कविता करने में भी उसका नाम बहुत बड़ा है। उसकी सबसे अच्छी बुक जो मैंने पढ़ी है उसका नाम है वसुधा, रंग रंग वादड़िया, यात्रा, वरदा, मुदिता, उत्कंठा, ऐसे अच्छे उसके काव्य संग्रह बने। तो उसके साथ साथ उसके अर्वाचीन कविता अवलोकना जैसे विवेचन संग्रह भी किए, दक्षिणायन नाम का प्रवास ग्रंथ भी उसने लिखा और बहुत ही अच्छे अच्छे अवॉर्ड प्राप्त किए, जिसमें हैं रणजीत राम सुवर्ण चंद्रक, महिड़ा पारितोषिक, नर्मद सुवर्ण चंद्रक, साहित्य अकादमी और दिल्ली के महान अच्छे अच्छे पुरस्कार प्राप्त हुए। ये रचना जिसका नाम है हंकारिजा, इसमें बताना चाहता है प्रभु दर्शन को प्राप्त करने की तीव्र झंखना। जो मीराबाई थी उसको भगवान श्री कृष्ण चाहिए थे, नरसिंह मेहता थे उसको भगवान श्री कृष्ण चाहिए थे, उसी तरह से हमारे शबरी बाई है उसको भी भगवान चाहिए। और भगवान दर्शन के लिए वो सुबह से लेकर शाम तक हृदय की जो उसकी उत्सुकता है वो इस कविता के अंदर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया गया है। क्या लिखा है यहाँ पर, ये हमारे कवि हैं सुंदरम जी, लिखते यहाँ पर कि हे भगवान, तू मारा ये जो शरीर है वो शरीर नहीं है, एक्चुअली वो बंसी है। तो यहाँ पर कंपेरिजन किया गया है कि मेरा शरीर एक बंसी की तरह है, पर बंसी खाली ऐसे ही पड़ी हुई है, उसको कोई बजाने वाला, कोई पर्पस वाला बंदा नहीं है। अरे हे भगवान, तू आ अने आ हमारा शरीर रूपी जो बंसी है उसके अंदर थोड़े दो पर्पस के बोल बजा के तू जा। हे भगवान, जिस तरह से वीणा के अंदर तार होते हैं तो वीणा का महत्व होता है, उसी तरह से मेरे जीवन रूपी जो वीणा है उसमें कोई पर्पस नहीं है, कोई तार नहीं है, तो इसको वीणा को तू थोड़ा बजा के जा। मेरे जीवन जो है वो एक झंकार के समान बनना चाहिए, पर इसके अंदर अगर पायल होगी तो झंकार होगा। मेरे पास पायल है पर उसमें पायल की आवाज़ नहीं है, इस कारण से हे भगवान तो इसको कोई पर्पस नाम के झंकार दे के जा। और मेरा जो जीवन में जो दरवाजे हैं, कमाड़ है, वो बंद पड़े हैं, आलस के कारण से बंद पड़े हैं, तो इसको तो जीवन का कोई पर्पस देगा तो ये दरवाजे अपने आप से, आलस रूपी जो दरवाजे बंद हो गए हैं वो अपने आप से खुल जाएगा, मुझे अपने जीवन में कोई पर्पस मिलेगा और मेरी प्रगति होगी। आगे बताते हैं, ओढ़ेली पापड़ ना पर्दा उघाड़ी जा, पापड़ का मतलब होता है आईलैशेस, और ये जो पर्दे पड़े हैं आँखों बंद करके जो हम बंद कर देते हैं, सब कुछ सामने होने के बावजूद भी हम देखते नहीं हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि पोढ़ेली बंद हो चुकी मेरी पापड़ है, उसके पर्दे को खोल दे,
ताकि मैं जीवन में प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ सकूं। मेरे सपनों को ऐसा सपना दे, सुनहरा सपना, कि जीवन में मुझे कोई पर्पज़ होगा कि भाई तुम्हें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, सीए बनना है या सीएस करना है। अगर सपना होगा तो मंजिल होगी, और मंजिल पाने के लिए मेहनत होगी। परंतु कोई पर्पज़ ही नहीं होगा तो मेरा जो स्वर्ण लू है, सपना है, वो उसमें कोई सोना कॉस्ट नहीं है। अगर तू मुझे अच्छी सी कॉस्ट वाला अच्छा सा सपना अगर तू मुझे बता देगा तो मैं जीवन में और अच्छी प्रगति करूँगा, क्योंकि मेरी जीवन एक सुनी सरिता जैसा है जो चुपचाप से बह रही है, और उसका किनारा है वो पीतांबरी बना दे येलोइश कलर के, ताकि मेरे हृदय नाम का जो दड़ा है वो कभी इधर उछलता है, कभी इधर उछलता है, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। आलस को सपोर्ट करना है, सोते रहना है, शांत तरीके से बहते रहना है, तो जीवन में कुछ प्रगति प्राप्त नहीं होगी। अगर तू मुझे जीवन के अंदर कुछ पर्पस दे के जाएगा तो मेरा जीवन आगे बढ़ पाएगा। हे भगवान, मेरा जो जीवन है उसको शबरी के जीवन जैसा बना, जैसे शबरी जी ने भगवान राम के इंतज़ार के अंदर सुबह से लेकर शाम तक अपने जो छोटी सी झोपड़ी थी उसके बाहर फूल बिखेर के रखती, हर रोज़ जंगल में जाके अच्छे से फ्रूट लेकर आती और भगवान राम का इंतज़ार करती। उस तरह से मुझे भी इंतज़ार है आपका, हे ईश्वर, हे परमात्मा आपका। जैसे भूखी शबरी ना बोर एकाद्बे आरोगी ने भगवान ने इसका उद्धार किया था, इस तरह से हे भगवान तू भी मुझे मेरे जीवन के अंदर कुछ पर्पस दे दे। मैं भी जन्म से भूखा हूँ और मुझे भी तुम्हारा दर्शन चाहिए, मुझे भी तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी जो नाव है, मेरा जीवन एक नाव के समान है, वो बस किनारे पे बंध चुका है। वो कहाँ जाएगा, क्यों जाएगा, किस लिए जाएगा, कोई पर्पस ही नहीं है। अगर पर्पस मिलेगा तो देखना मेरी जीवन रूपी नाव समुन्द्र तक पहुँचने के लिए तैयार है। तुम्हारी घाटे मतलब किनारे बंधी हुई होड़ी ने वह छोड़ी, खोल के तू जा और सागर के किनार पे तू मुझे उतार के जा। हे मेरे मन के मालिक, ये मेरा जीवन मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। तारी जेम पण जे काय सारी मौज पड़े ए मना हले सा धीरे धीरे मारते हुए, इसको हले सा मानना कहते हैं। हले सा मारता हुआ धीरे धीरे करके तू उसको आगे लेके जा, तने जहाँ फावे त्या तू ले जा। मेरी ओर से तुम्हारा पूरी की पूरी मंजूरी है कि तू जो चाहे, तू जिस तरह से चाहे, ऐसे हे भगवान, हे ईश्वर, मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ। बस मेरी ये जो नाव है उसका तू मालिक, उसका रखवाला बन जा, इसको तू जहाँ चाहे जिस प्रकार से चाहे उसको ले जा। पर तू इसका मालिक बनेगा तो मेरा जो दिल नाम का दड़ूला है जो इधर उधर भटक रहा है उसको एक सही पर्पस मिलेगा और जीवन के अंदर मैं आगे बढ़ पाऊँगा। ये कहना चाहते हैं सुंदरम जी। यहाँ पर शॉर्ट आंसर्स दिए गए हैं। नीचे आप पहला वाक्य ने एक वाक्य में उत्तर आपो। कवि कोनी वाणी जगाड़वानी बात करे छे, कवि पोतानी वीणानी वाणी जगाड़वानी बात करे छे, कवि ईश्वर ने केवी रीते पधारवानू कहे छे, कवि ईश्वर ने झांझर पहेरी ने पधारवानी कामना व्यक्त करी छे, कि कामना इच्छा ना कमाड़ ने मतलब दरवाजे ने ढंडोड़ी खोल के जाने की बात कही है। सोनेरी सपना क्यारे जोई शकाय, सुतेला मानस नी आँखों बंद होए, कवि प्रभु ने कहे छे कि मारी पापणना पड़दा उघाड़ी अने मने सोनेरी सपना बताओ जिससे मैं जीवन में प्रगति कर सकूँ। सुनी सरिता एटले शुं, सुनी सरिता एटले चुपचाप बहने वाली नदी, जिसके लाइफ के अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कोई मंजिल नहीं है। इस तरह से नाव धीरे धीरे शांत बहती है, उस तरह से मेरा जीवन एक सुनी सरिता की तरह बताया गया है। मन्ना मालिक ने कवि शूँ कहे छे, कवि मन्ना मालिक ने कहे छे कि हे प्रभु, प्रभु कवि ने बे विनंती करे छे। प्रथम पंक्ति में कहे छे कि घाट साथे, घाट बोले तो किनारा, किनारा ने साथे बांधेली मारा जीवन रूपी होड़ी मतलब नाव, इन्हें समुद्र ना पानी में छूटी मूकी शकता है, तेरी तेज ने छूटा कर दे। अने बीजी विनती करे छे कि तारी इच्छा हो ने ए प्रमाणे ने लई जा आगर, पर जीवन में मुझे समुद्र तक पहुँचा, पर्पस तक पहुँचा। कवि जन्म भूखी कोने कहे छे, कवि जन्म भूखी शबरी बाई ने कहे छे। कवि ने कोनी भूख छे, हंकारी जा काव्य ने आधार बताओ। शबरी ने राम दर्शन की भूख है,
કવિ પ્રભુને બોરના બદલામાં શબરીને શું આપવાનું કહે છે? કવિ પ્રભુને વિનંતી કરે છે કે હે પ્રભુ ભક્ત, એવી શબરીને બે બોર ખાઈને તેના બદલામાં તમે દર્શન આપ્યા હતા, બસ તેવી જ રીતે મને પણ મારા જીવનમાં તમે દર્શન આપો. હવે બે ત્રણ વાક્યમાં ઉત્તરો. શબરીના ઉદાહરણ દ્વારા કવિ શું સમજાવે છે? રામાયણમાં બે પાત્રો મોટા રામ ભક્ત દર્શાવ્યા છે. એક છે વીર હનુમાનજી અને બીજી છે બલી ગોળી શબરીબાઈ. ભક્ત હૃદયની તુલના આ કાવ્યમાં શબરી સાથે વ્યક્ત કરી છે. ભક્તિ એ શબરીના બોર છે. કવિના રૂપક સાથે જણાવે છે કે જેમ શબરીના બોર ખાવા રામ તેની ઝૂંપડી પર ગયા, તે રીતે શબરીને દર્શન આપ્યા, તેમ બોરૂપી ભક્તિને માણવા ભક્તને ત્યાં પહોંચીને હે પ્રભુ તમે સાચા ભક્તને દર્શન આપો. હોળી અને સંસારના પ્રતીકો સ્પષ્ટ કરો. હોળી એટલે જીવન નૈયા અને સંસાર એટલે સંસાર સાગર. કવિ પ્રભુને વિનંતી કરે છે કે સંસાર સાગરના ઘાટે બંધાયેલી મારી જીવનરૂપી નૈયા આ ઘાટથી છોડી, મલબા કિનારાથી છોડી અને સમુદ્રની લહેરોમાં હિલોળા ખાતી કરી દો. આગળ કવિ વિનંતી કરે છે કે હે પ્રભુ મારી જીવન નૈયાને તું તારી મરજી મુજબ જ્યાં હલેસા મારવા હોય, જ્યાં પેડલ મારવા હોય ત્યાં પેડલ મારી અને મારી જીવનરૂપી નૈયાને લઈ જા અને આ ઘાટ સાથે આળસરૂપી ઘાટ પર બાંધી ઢોળીને છોડી મૂકાવ. કવિશ્વરને કયા કયા માધ્યમો દ્વારા પોતાના કામના કમાણ ઢંઢોળાનું કહે છે? કવિશ્વરને વિનંતી કરે છે કે મારા સુના જીવનમાં વાંસળીના બે બોલ વગાડી, વીણાની વાણી જગાડી અને વરસતા વરસાદમાં અવાજ લાવી તું મારા કામના કમાણને ઢંઢોળી ખોલી અને આગળ લઈ જવાની વાત કરી છે. વિસ્તૃત એની લોંગ આન્સર. હંકારીજા કાવ્યનો કેન્દ્રવર્તી ભાવ સ્પષ્ટ કરો. હંકારીજા કાવ્યમાં કવિ એક ભક્ત હૃદયના ભાવ ભક્તા ઈશ્વરની વિનંતી કરેલી છે. કવિના હૃદયમાં પ્રભુમય બનવાની ઈચ્છાને જગાડવા, તેઓ પ્રભુને બંસી, વીણા, ઝરમર વરસતા વરસાદ જેવા માધ્યમ દ્વારા સુરીલા ગીતો છેડવાની વિનંતી કરે છે. પ્રભુને કવિ શબરી સાથે ભક્તની ભક્તિ શબરીના બોરની સાથે સરખાવે છે. રામ ભગવાન શબરીના બોર ખાવા શબરીની ઝૂંપડી સુધી ગયા હતા. શબરીના બોર એને પ્રેમથી ખાધા હતા. આ સમગ્ર ઘટના દરમિયાન પ્રભુ દર્શનની ભૂખી શબરી પેટ ભરીને રામ ભગવાનના દર્શન કરે છે અને ભગવાનની ભૂખને પણ તૃપ્ત કરી આપે છે. અથવા તો એમ કહી શકાય કે પ્રભુ જાતે ભક્ત શબરીના દર્શન કરવા માટે સંતોષ પ્રાપ્ત કરે છે. કવિ શબરીની ભક્તિના માધ્યમ બનાવી પોતાના પ્રભુ દર્શનની અરજી પ્રભુ સમક્ષ રજૂ કરે છે. કવિ જણાવે છે કે ભક્તને પરમ તત્વને પામવું છે, એટલે કવિ મનના માલિક એવા બંસીધરને એટલે કે શ્રી કૃષ્ણને સંસારરૂપી સાગરને કિનારે લંગારેલી હોડી સાગરમાં લઈ જવા વિનંતી કરે છે અને મરજી મુજબ તેની નાવને હંકારવા માટે પ્રભુને કહે છે કે તમારે જ્યાં હંકારવી હોય ત્યાં મારી આ જીવનરૂપી નૈયાને તમે હંકારી શકો છો, કારણ કે હું તમારું સંતાન છું અને તમે મારા પ્રભુ, તમે મારા ઈશ્વર, તમે મારા પિતા છો. આમ સુંદરમજી દ્વારા એટલે કે ત્રિભુવનદાસ પુરુષોત્તમદાસ લુહાર દ્વારા સરસ મજાની આ કવિતા જેનું નામ હતું હંકારીજા. થેન્ક યુ વેરી મચ.